तो आप प्ले स्टोर जो किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो फ्रेंड आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है एक है आपके प्ले स्टोर पर कि सम इज़ ब्लॉकिंग अनदर ऐप इज़ ब्लॉकिंग योर गूगल प्ले स्टोर एक्सेस तो आप इसको किस तरह अन चेक करके इसको प्रॉपर कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सेल फोन में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि, कि सम इज़ ब्लॉकिंग या गूगल पे प्ले एक्सेस तो आप इसको किस तरह प्रॉपर कर सकते हो तो इसके लिए आपको कुछ सेटिंग करना होगा जो सेटिंग करने के बाद ईजी तरीके से अपने सेल में आप प्ले स्टोर को यूज़ कर जो प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है आपको आ जाना आपके सेल फोन में और आपके सेल फोन में आपको वो एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर देना है जिस एप्लीकेशन से आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो उसको इंस्टॉल कर देना है या कोई भी एप्लीकेशन जो आपने अपने सेल फोन में बिना प्ले स्टोर के आपने डाउनलोड किया है आपने ऐसे जगह से डाउनलोड किया है जो आपके प्ले स्टोर पर नहीं है जो आपने अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर आपने उसको डाउनलोड किया जैसे आपने किसी ब्राउजर से डाउनलोड किया तो आपको उसको तुरंत इंस्टॉल कर देना है फिर तो उसके आपको आ जाना बैक फिर आपको चले जाना है आपको सेलफोन के सेटिंग के ऑप्शन पर और वहाँ से आपको इसको स्क्रॉल अप कर देना है स्क्रॉल अप करने के बाद आपको आ जाना एप्लीकेशन परमिशन की सेटिंग पे और यहाँ से आपको आ जाना ऐप मैनेजर पे। ऐप मैनेजर पे आने के बाद आपके सेलफोन में जितने भी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगे आपको जस्ट सर्च कर लेना है गूगल सर्विस तो आप गूगल सर्विस आपको सर्च करना है तो यहाँ आपको गूगल प्ले सर्विस दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है आपको यहाँ देख रहा है आपको इंटरनल स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज पे आके फ्रेंड आपको डेटा क्लियर कर देना है इससे आपके सेलफोन में और प्ले स्टोर पे जितने भी एरर बग होंगे सब क्लियर हो जाए आपको उस पर क्लिक करना है क्लियर डेटा और नीचे क्लिक करना है क्लियर ऑल डेटा पे एंड ओके पे क्लिक करना है आपका जो डेटा होगा बग्स होगा सब क्लियर हो जाएंगे आपको ये सेम प्रोसेस आपको प्ले स्टोर पर भी करना है आपको यहाँ प्ले स्टोर पर क्लिक करना है आपको जाना है इंटरनेट स्टोरेज में आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करना है उसका डेटा क्लियर कर देना है उसके बाद आपको बाहर आना है आपको परमिशन का ऑप्शन आएगा परमिशन पर क्लिक करना है और आपको सब परमिशन पर टॉप पर राइट एंड साइड पर क्लिक करना है ऑल परमिशन पर ग्रांट कर देना है जिससे आप प्ले स्टोर के सब परमिशन ग्रांट कर दोगे और सब परमिशन मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आना है बैक आपके सेल को एक बार रीस्टार्ट स्टार्ट है मतलब बंद स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है और फिर आप देखोगे फ्रेंड आप जब प्ले स्टोर पर किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना जाओगे तो आपके सेल में इजी तरीके से इंस्टॉल होने लग जाएगा जब इंस्टॉलेसन में क्लिक करोगे तो आपके सेल में डाउनलोड होने लग जाएगा आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना चलो सब्सक्राइब करना इससे वीडियो देखने के लिए सबसे बना ठीक